हेलो एवरीवन, अब मैं आपको कटवर्क का बनाना सिखाऊंगी कि कटवर्क कैसे करते हैं। कटवर्क फ्लावर, और ये देखें, ये मैंने बनाए हैं, ये मैंने कटवर्क बनाया है, और ये भी, और ये मैंने पहले ये कम्बल टांका या कास्ट स्टिच मैंने कर लिया, और उसके बाद ये सादा टांका किया ताकि ये धागे ना निकलें, और फिर इसकी दरमियान में कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसकी पहले यहाँ से कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर ली। उसके बाद बाज़ लोग पहले ये बना लेते हैं, ये वाली लाइन है इसमें, लेकिन मैं पहले सबसे पहले इसकी ये शुरू करती हूँ ताकि ये ठीक तरीके से बन जाए। ये हल्का सा यहाँ से ये लाइन लगाने से, ये भी लगा सकते हैं, चेन स्टिच भी बना के आप लोग काट सकते हैं, तो ये थोड़ा सेफ रह जाता है, धागे बाहर नहीं निकलते। तो ये हम शुरू करते हैं, इसको यहाँ से पहले शुरू करेंगे। ये बटन होल से हम करेंगे, जैसे बटन होल वो काज टंका होता है वो। साथ साथ आपने स्टिच लेने हैं इस तरह, ये बनाने के बाद थोड़ा सा इसका ये खुल जाता है, लेकिन जब ये बन जाते हैं, इस पूरा कंप्लीट बन जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर इतना नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना इसके होल। ये साथ साथ थोड़ा सा अंदर की तरफ उंगली के साथ ये धागे ऐसे काट लेने चाहिए ताकि धागे ना इसमें नज़र ना आए। आपका हाथ अगर इस तरह से शुरू होता है, उस तरह से करना चाहते हैं आप, उस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से इजी है। इसका कोना बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक ये स्टिच लगाना पड़ता है इस तरह। इसका स्टिच लगा दे, फिर इसी तरह
है बहुत इजी है, देखने में लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, हमारे से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, हर मुश्किल काम को आसान बनाना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ये हमने आखिरी स्टिच इधर इसको ऐसे ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब हम इसको नीचे से थोड़ा सा करके ऊपर ले आएंगे, यहाँ से निकालना है। देखिए ऐसे है, इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेते हैं, फिर इसको इसमें से ऐसे टाइट हो गया, और उसके बाद एक दफ़ा फिर इधर से ऐसे ये हो गया। ये देखिए ये टाइट हो गया ना, ये बहुत खुला था, अब ठीक हो गया। अच्छा अब इसको इसको भी काज टांके से हमने ऐसे करना है, ये देखिए इस तरह। ठीक है, और इसको यहाँ पे हमने वापस ले जाना है, उसके बाद उल्टी तरफ से फिर हम यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ से निकाल लेंगे, और थोड़ा सा इसको हमने ऐसे टाइट करके फिर इधर से निकालना है, ठीक है ऐसे। उसके बाद एक दफ़ा फिर इस तरफ को आना है, और अब हम इस स्टिच को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो
ये हो गया हमारा कट वर्क। ये देखिए ये हमारा कट वर्क का फ्लावर तैयार है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।